अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, तो हम भी खैरियत से। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था और बहुत ज़्यादा थकान का था, तो जो ये समोसे बच गए थे तो बस मैंने जो है समोसों को जो है ना चोपर में करके और मैंने जो है फ्रिज वगैरह में जो है डाल दिए थे। तो बस जुनेद बोला कि ये समोसे वगैरह फ्राई कर लो, तो बस यहाँ पर जो है समोसे मैंने गर्म करे थे। मैंने कहा चलो बच्चे समोसे वगैरह खा ही लेंगे, क्योंकि देखो कोई सी भी चीज़ है रिजर्व वगैरह है तो ऐसा वेस्ट तो कर नहीं सकते। तो वो आगे मैं सच्ची आपको लो खड़े हो जो आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रही होगा कि कल का जो दिन था वो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था सच में। वाकई जो लोग जिन लोगों पर बीतते हैं उसको ही पता रहता है कि कल का दिन वाकई बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला था। वही है कि अल्लाह के शुक्र से अल्लाह के हमें अल्लाह के फजल करम से कि कल का दिन बहुत अच्छी तरीके से निमट गया। कल की जो रस्म थी हमारी वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो है निमट गई थी। तो बस जो है हमें समोसे ट्राई करी थे और हम जब जो है थक गया था और जो है ये सो रहे थे क्योंकि इन सब लोगों को जो है दिल्ली जाने थे। मैंने कपड़े वगैरह जो है वॉश करे थे और बस कपड़े वगैरह जो है मैंने धोते वाले। आरफा को उधर बिठा बैठे, उधर को बैठो जाके, उधर बैठो। और हाँ चल जब मत जला लेना, गर्म हो रहा है। तो बस जो है यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर हमारी भी थकान वगैरह हो जाती है। बस मैं यही शेयर कर रही थी और बस जो भी रूटीन होगी मैं आज की आपके साथ सब आपके साथ जो है शेयर करती रहूँगी। और शेयर करना शेयर वगैरह क्या करना, सालन वगैरह भी रखा था, जो कौरमा वगैरह बना था वो भी रखा हुआ था। मैं सोच रही थोड़ी सी दाल वगैरह बना लूँ हल्का फुल्का सा खाना, और बस जो है यहाँ पर बच्चे जो है समोसे वगैरह खा लें और बस जो है फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। और बस जो यहाँ पर ये मैं आपको सोचा चलो रसगुल्ले वगैरह भी दिखा दूँ। तो ये भी जो है बच्चे के ससुराल से आए थे रसगुल्ले को, रसगुल्लों के डिब्बे तो वगैरह देखिए सारा सामान आता है जो बटी जाता है, फल फ्रूट वगैरह मिठाई। तो बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए, तो बस मैंने कहा चलो इनको भी आपको जो है दिखा देती हूँ। क्या है तुझे? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्स से। तो यहाँ पर जो है तीन कलर के ये पर्स थे। तो एक बड़ा पर्स था और एक छोटा पर्स था, तीन कलर के तीन पर्स थे ये। तो दो इसमें जो है गोल्डन थे छोटा बड़ा, और एक इसमें ये ब्राउन कलर का पर्स था। तो माशाल्लाह जो है तीनों पर्स जो है बहुत प्यारे लग रहे थे। और अल्लाह सबको जो है सबकी बच्चियों का नसीब अच्छा करे, अल्लाह सबको इतना सामान जो है नसीब करे, अल्लाह वो पढ़ते हैं अपने घरों में जाकर सुकून से रहे। तो जी बस यहाँ पर जो है तीन तरीके के पर्स थे। और जो है ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे लहंगा, तो ये दो पाइचों का लहंगा कह रही, सॉरी गरारा। तो ये आई थिंक हाँ गरारा ही बोलते हैं, दो पाइचों का जो है गरारा होता है, शरारा होता है। अच्छा जो है मैं जो है कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ लहंगे गरारे में। अच्छा तो यहाँ पर जो है दो पाइचों का जो है गरारा था और उसके ऊपर जो है ये लॉन्ग जो है कुर्ती थी। तो माशाल्लाह पूरी पे जो है कढ़ाई थी और ये गरारे पे नीचे जो है कढ़ाई थी, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये गरारा। कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा था, मुझे भी जो है कलर जो है वाइन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये दुपट्टा, तो दुपट्टे पे भी जो है पूरे जो है कढ़ाई थी और उसके ऊपर जो है ये जो लेस लगी हुई थी, ये लेस भी जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा गरारा था। और बस जो है इसी के ऊपर जो है गोल्डन कलर की जो है ये जूती थी, तो जूती भी जो है माशाल्लाह जो है बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा मैचिंग जब होती है ना सामान की, तो उसका जो है अलग ही जो है लुक आ जाता है। अगर आप अलग अलग पहनेंगे तो उसमें इतना लुक नहीं आता, जो है मैचिंग से लुक आता है। तो इसी पर जो है मैं आपको ये सेट दिखा रही थी। तो ये जो है डबल सेट था, गले में भी दो तरीके का सेट था। आई थिंक ये तो सेट आजकल जो है चल ही रहा है, आपको भी पता ही है। तो लेकिन बस मैं फिर भी जो है आपको खोल के दिखा रही थी। इसके ऊपर जो है इस तरीके का जो है ये सेट था और इसमें जो है कॉफी वाइन कलर के इसके अंदर जो है मोती पड़े हुए थे। तो माशाल्लाह जो है बहुत प्यारा जो है लग रहा था। इसमें जो है नथ भी थी, टीका था, और ये हाथों के जो है शौक बनते हैं। मैं हाथ में जो है आपको जो है डाल के दिखा रही थी, तो बच्चे बोली अम्मी जो है हाथ में डाल के दिखाओ तो जो है इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो है इसमें जो है इसमें इसी कलर का जो है चूड़ा था। तो ये माशाल्लाह ये भी जो है बहुत प्यारा जो है लग रहा था। तो बस इसमें जो है इसमें चूड़ियाँ थी, इसमें जो है जो नग थे तो कैमरे में जो है बहुत ज़्यादा चमकवा रहे थे। एक इसमें ये पिंक कलर का गरारा था, तो ये आई थिंक कॉटन में तो नहीं था, ये शायद शिफॉन में था। तो ये भी जो है बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें भी जो है बारीक सितारों को जो है काम था, और गरारे में भी जो है नीचे ही इसके जो है कढ़ाई हुई भी थी। अच्छा इसका जो दुपट्टा था ना, दुपट्टे का कपड़ा जो है बहुत अच्छा था, जो है मतलब अगर आप ओढ़ेंगे तो जो है जो पिसल जो रोपा ड्रेस दुपट्टे पिसलते हैं तो जो है ये पिसलने का नहीं, उसमें गोल्डन कलर का जो है तार आ रहा था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें एक जूती ये थी। अच्छा जूती जो है इसमें और दो सूट हैं, आप जो है किसी के साथ भी जो है वेयर कर सकते हैं, इस पर भी और उस पर भी। हर सूट पर जो है जूती अच्छी लगी है। इसमें जो शीशे थे ये भी बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और इसी सूट पे की चूड़ियाँ थी, ये भी इसी कलर की थी, तो ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक
पिंक कलर का सेट था, ये भी जो है अच्छा लग रहा था। और ये एक ब्लैक कलर का सूट था, ये भी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जो है ब्लैक कमीज थी और रेड कलर की शलवार थी। तो और दुपट्टा जो है इसका बहुत प्यारा था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉटन का सूट था, दुपट्टा बहुत प्यारा था इसके ऊपर, दुपट्टे पर बहुत अच्छा जो है काम हुआ हुआ था, अच्छी कॉटन में था ये सूट भी। और इसी के साथ जो है ना एक सूट ये जो है ग्रीन कलर का था। अच्छा, इस पर ये सेट मैं आपको दिखा रही थी, पहले सूट उठाते उठाते मैंने जो है ये सेट जो है उठा लिया था, तो इसमें एक रेड कलर का सेट था ये। आप चाहे तो किसी पे भी जो है मतलब ये लगा सकते हैं, इस पर लगा ले किसी और पे लगा ले, सब सेटों सूटों पे ये जो है अच्छा लगेगा। इसमें जो है गोल्डन कलर की पाजेब थी, तो वैसे तो चांदी की भी पाजेब है पर एक इसके साथ ये जो गोल्डन कलर की पाजेब थी, तो बस मैं पहले आपको ये दिखा रही थी, तो ये भी जो है बहुत प्यारी जो है लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है किसी पे डेली में भी डेली रोज में भी कोई पहन सकता है, तो अच्छे कलर अच्छे डिज़ाइन की पाजेब थी। तो ये उठाया मैंने अब ग्रीन कलर का सूट, तो ये बनारसी ग्रीन था, तो इसकी जो बनारसी थी ना जो भारी बनारसी थी, इसका दुपट्टा भी जो है बहुत प्यारा था, मतलब एक हल्की में आता है और ये बहुत अच्छी माशाल्लाह बिना अस्तर के भी सीएंगे तो ये जो है अच्छी उसमें था बनारसी में सूट। और जो इसके ऊपर जो दुपट्टा था ना, तो दुपट्टा भी जो है इस पर साइडों में पाइपिंग डली हुई थी गोल्डन कलर की, तो ये भी जो है सूट जो है अच्छा लग रहा था। इसी के साथ ये पजामा था, ट्राउज़र और ये शलवार जो भी लगाना चाहे उसके ऊपर जो भी सिलवाती सिलवाएगी अच्छा लगेगा। और ये जो है पाजेब थी चांदी की, तो ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी भारी पाजेब थी। उसी के साथ ये दुल्हन जोड़ा था, तो ये तो जोड़े वगैरह जो है सब कुछ आजकल जो है चल ही रहे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारा जो है मैंने कपड़े वगैरह आपको जो है दिखा दिए थे। अब मैं दिखा रही थी आरफा का डिब्बा, तो इसके अंदर ये हैंकी था पीने थी और ये रबड़े थी चार पांच, और इसमें जो चूड़ी थी वो आरफा ने जो है पहन ली थी। तो ये बुशरा की चूड़ी का डिब्बा था, इसमें जो है मतलब सब सिस्टरों के जो है ये चूड़ियों के डिब्बे आए थे वहाँ से, तो इसमें ये गोल्डन कलर की चूड़ी थी। तो मैं इसको आपको जो है खोल के दिखा रही थी, तो इसके अंदर जो है गोल्डन कलर की जो चूड़ी थी और जो इसके अंदर जो आगे जो लगा हुआ था ये मेटल में था, तो उसकी वजह से जो चूड़ा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जो है बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, चाचा की लड़की है फ़ज़ाइला, सादिका और सोफिया, तो ये तीनों के डिब्बे थे, फ़ज़ाइला के, सादिका के और सोफिया थे। तो ये ग्रीन का वाला सोफिया का था और इसमें ये गोल्डन जो है सादिका था और एक फ़ज़ाइला का था। और पुप्पियों के भी जो बड़ी पुप्पो है शबाना और छोटी पुप्पो है उसकी आयशा, तो उनके भी जो चूड़ियों के डिब्बे आए थे, तो वो उनको जो है वो जा रही थी, तो उनको वो चूड़ियों के डिब्बे जो इनको जो है हाथों हाथ दे देते हैं। हमारी जो पुप्पो के और बहनों के डिब्बे आते हैं, आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपके अभी चूड़ियों के डिब्बे बहनों के पुप्पी वगैरह के जो आते हैं या नहीं आते। अच्छा जी, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रही थी मेकअप का सामान, तो इसमें ये मैंने ऊपर खोला तो इसमें जो है रेड कलर का जो हैंकी रखा हुआ था, तो ऊपर ही रखा हुआ था यहाँ पे पॉन्ड्स का पाउडर का डिब्बा। और ये उठा रही थी मैं यहाँ पे मेकअप की गद्दी, इसको क्या बोलते हैं पब बोलते हैं ना, हाँ पब। और ये तेल की शीशी थी, और इसी के साथ यहाँ पर जो है ये रीठे आंवला का जो है आयूर का शैम्पू की बोतल थी ये, और जो है ये ब्रश वगैरह थे मेकअप के, ये रबड़े वगैरह थी। अच्छा, इसमें आई थिंक ये तो सारा सामान होता ही है, लेकिन सारा मैटर जो होता है कि अच्छी क्वालिटी का सामान है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह तो जो सारा सामान था बहुत अच्छी क्वालिटी का था, ओले का था, जैसे गार्नियर है लेक में है, तो ओले की भी एक अपनी अच्छी कंपनी होती है, तो अच्छा सामान था। तो ये दो तरह का जो है इसमें दो तरह के जो शाइन थे पाउडर के और ऑयल कंट्रोल था, तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा था, ऑयल कंट्रोल था, और इसमें ये कंघा था, शीशा वगैरह था। अच्छे से अलग भी एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर शीशा था, वो कंघा था सॉरी। और ये यहाँ पर जो था इसके अंदर जो है फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन भी जो है अच्छी कंपनी का था, अच्छा था। तो यहाँ पर जो है मैं हाथ पर लगा कर जो है देख रही थी, तो बच्चे कह रही थी कि अम्मी जो फेस पे अप्लाई करो तो फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं बोली कि नहीं बस हाथ पे जो है मैंने लगा लिया, तो बस हाथ पे ही जो है सही था। तो मैंने लगा के देखा तो अच्छी जो है शाइन वगैरह जो है आ गई थी। तो माशाल्लाह, तो ये यहाँ पर जो है लाइनर था, काजल था आँखों का, और इसके अलावा जो है इसके अंदर ये मस्कारा था और लाइनर था। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर खोल के कह रही थी मस्कारा, तो बच्चे कह रही थी कि नहीं अम्मी ये लाइनर है, तो मैंने इसको खोल के देखा तो सच में ये लाइनर ही निकला। तो आई थिंक मोटे मस्कारे की भी ऐसी ही शीशी थी, तो बस इस वजह से जो है मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो बस इसमें जो है एक ये था वो स्क्रब था,
ये यहाँ पर पपाया का जो है स्क्रब था, तो स्क्रब भी जो है पपाया का जो है आई थिंक अच्छा ही स्क्रब होता है। और यहाँ पर शिमर था, हाईलाइट था, तो इसको मैं खोल के दिखा रही थी। इसमें तीनों कलर जो है माशाल्लाह जो है बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अच्छा, पहले इतना मेकअप नहीं चलता था हमारे टाइम में, इतने मेकअप कितनी क्वालिटी वगैरह नहीं होती थी, शिमर ये वो दुनिया भर की, तो इतना हमें जो है मेकअप का सामान जो है इतना नाम जो जहन में नहीं रहता। अब तो बहुत ज़्यादा मेकअप सामान चला है कि तीन तीन घंटे जो है पार्लर में बैठे रहो, अब ये अप्लाई हो रही है, तो अब जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है चल गया है। तो यहाँ पर जो ओले की क्रीम थी और यहाँ पर जो है ये मस्कारा था, वो लाइनर था और ये जो है मस्कारा था। तो माशाल्लाह सारा सामान जो है बहुत अच्छा था। तो दो तरीके की लिपस्टिक थी। अच्छा, ये लिपस्टिक जो है मैंने पहले भी जो खोल के देखी थी, तो जब मैंने इतनी ध्यान से जो ये नहीं देखी थी, तो मैं देख रही थी तो मैं वैसे जैसे कह रही थी मेरे पास इसमें ये दो कलर हैं, एक तरफ पिंक है और एक तरफ जो है गोल्डन है, तो अच्छे लग रहे थे दोनों कलर माशाल्लाह। तो बस जो है ये मैंने जो है दिखा रही थी मैं आपको कि अच्छा कलर था। इसके अंदर एक डिबिया भी जो है एक्स्ट्रा लगी हुई थी, अगर आप जैसे ब्रश वगैरह से लगाना चाहें तो अच्छी मतलब ब्रश से भी लगा सकते हैं लाइट। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान था, बहुत बढ़िया सामान था। और बस ये यहाँ पर जो है कंसीलर था शायद, और ये आई शेड था चमक वाला, तो अच्छा था ये भी माशाल्लाह सारा। और बस अच्छा इतना सामान था कि बहुत ही सामान था माशाल्लाह इसके अंदर। और ये तीन चार तरीके के जो है क्लिप थे, और जोड़े की पिन थी, सादी पिन थी, सब तरीके की पिन थी, और उसमें दो तरीके की लिपस्टिक है, एक लिपस्टिक और थी वो शायद मैंने साइड में इधर विधर डाल दी। और बस जो है यहाँ पर एक आई शेडो था आँखों का, तो ये भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, कलर भी बहुत प्यारे हैं आँखों के। तो आई थिंक अब तो ज़्यादा जो मेकअप चल रहा है तो वो आँखों का ही मेकअप जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है, आँखों पे जो है ज़्यादा मेकअप अच्छा चल रहा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सामान था। और बस अल्लाह सबको बच्चों का नसीब अच्छा करे, और बस जो बच्चे को हमारा सामान मिला अल्लाह से नसीब करे कि वो सामान ये सारा बढ़ते। और बस मैंने यहाँ पर जो है सारा सामान लगा दिया था, और बस तबीयत भी ख़राब है और गला भी ख़राब है, आपको मेरी वॉइस कवर से जो है आपको पता चल रहा है कि फिर भी जो है हम बना रहे हैं व्लॉग आपके लिए, ताकि क्योंकि ये हमारे यूट्यूब पे जो है ये हमारा काम है, हमारी जॉब है। कुछ भी हो, दुख हो या तकलीफ हो, हंसी हो या खुशी हो, जब कोई किसी लाइन में पड़ जाता है तो उसको वो जो है सब कुछ जो है उसी हिसाब से जो है लेके चलना होता है। तो बस इसी यही वजह है आपको बताने की कि ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसा नहीं होता कि वीडियो देख लो कि लाइक ना करो, तो लाइक भी कर दिया करें। और बस इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो में आपके साथ जो है सब जो है शेयर वगैरह करती रहूँ। तो बस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।